नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर खोज खबर कार्यक्रम। आज अपने कार्यक्रम में मैं आपसे बात करूंगी सिर्फ लखीमपुर खीरी में हुई बर्बर घटना के बारे में, और इस घटना के संदर्भ में मैं आपसे अपील करूंगी कि जिस तरह से जो जघन्य कांड हुआ है योगी राज में, जिस तरह से महिलाओं की और खास तौर से दलित महिलाओं की इज्जत पर हमला बोला जा रहा है, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसका एक स्वर में विरोध होना चाहिए। और इस विरोध को कितना तेज हम कर सकते हैं, इसको बिना धर्म के लेंस के कितना तेज हम उठा सकते हैं, शायद उसी पर निर्भर करेगा भविष्य आपका, हमारा, हमारी बच्चियों का। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर इलाके में जो निर्घासन पुलिस थाने के अंतर्गत गांव आता है तमोलिन पुरवा, वहां पर दो दलित बेटियों के साथ गुंडे अपराधी सरेआम दिन दहाड़े आते हैं, घर से घसीट कर दोनों बेटियों को ले जाते हैं। मां बचाने के लिए पीछे दौड़ती है, गुंडे उन्हें मारते हैं और फिर 3 घंटे बाद दोनों बेटियां गन्ने के खेत में एक पेड़ पर उनकी लाश टंगी मिलती है। यह है तस्वीर योगी राज में कानून व्यवस्था की। यह है सच्चाई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, जो नारा मोदी सरकार देती है उसका। यह इकलौती घटना नहीं है, इस तरह की घटना कुछ ही दिन पहले पीलीभीत में भी हुई, जहां पर दलित परिवार के घर में घुसकर गुंडे सामूहिक बलात्कार करते हैं, छेड़ते हैं, तंग करते हैं, विरोध करने पर बेटी को डीजल डाल के जला देते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि लखीमपुर खीरी में जब मां और तमाम लोग गुहार लगाने के लिए पहुंचते हैं पुलिस थाने, तब आप देखिए यह वीडियो किस तरह से पुलिस कितनी इनसेंसिटिव ढंग से, कितने कास्टिस ढंग से दबाने की कोशिश करती है विरोध के स्वर को। आप पीड़ित हो ये मुझे पता है, हम सब लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन बात ऐसी बोलो जो न्याय संगत हो और जो सही हो। नहीं, यहाँ बॉडी नहीं आएगी, आप बॉडी नहीं आएगी, यहाँ पे जो करना पड़ेगी आपको धरना देना है, आग लगाना है यहाँ पे। एक बार सुनिए, ये जो आप लोग जितने लोग गलत सलाह दे रहे हैं ना, इनको आप लोग दे लीजिए। मैं आपको ये बात कर रहा हूँ, आपको 40 दिन बैठना, आप 40 दिन यहाँ बैठिए, ये गलत चीजें मत बोलिए प्लीज। मैं गलत चीज नहीं मानूंगा, मैं आपको सिर्फ प्रेम से बोलेंगे, जो चीज सही समझता है वो करवाऊंगा मैं। आपने देखा कि किस तरह से यहां पर जो पुलिस अधिकारी है वह मां से बोल रहा है जिसने अपनी 2 बेटियों को खोया है कि तुम चुपचाप बैठो, सब्र करो, तुम्हारी बेटियां वापस नहीं आएंगी। क्या यह पुलिस अधिकारी किसी दबंग जाति की महिला से भी इस तरह की बात कर सकता था? शायद नहीं। यहां उसे पता है कि सामने जो लोग न्याय मांगने बैठे हैं, पहुंचे हैं, वे किस समाज से ताल्लुक रखते हैं। और अब आप देखिए कि इसी के साथ साथ जो लोग जुटे हैं, जो भीड़ जुटी है, वहां पर वह पुलिस अधिकारी कह रहा है कि आप नेतागिरी ना करिए। योगी जी, देखिए आपकी पुलिस किस तरह से विरोध में उठे स्वरों को नेतागिरी कहकर दबाने की कोशिश कह रही है। मेरा साफ मानना है कि ऐसे तमाम जघन्य कांडों में लोगों का सामने आना और पुलिस से सवाल पूछना, जवाब मांगना, दोषियों की गिरफ्तारी की मांग करना, ये कोई खैरात नहीं है। ये हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये अधिकार देता है, जिसके तहत तमाम लोग वहां जुटे, और शायद ना जुटे होते तो पुलिस पर यह दबाव भी ना पड़ता कि वह अपराधियों को पकड़ती। जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं उस समय कम से कम 6 अपराधी पकड़े गए हैं,
जिसमें छोटू, जुनैद, सुहेल, रहमान और उनके साथ दो और, एक को पुलिस ने कहा है कि उनका एनकाउंटर किया गया, एनकाउंटर करने की कोशिश में गोली चली जिसको पैर पे गोली लगी है। यानी जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, वे पुलिस की गिरफ्त में हैं। लेकिन इसके बाद जो खेल हो रहा है वह कितना शर्मनाक है। इस पूरी घटना पर हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है। शायद जितना बड़ा टॉर्चर उन दो बेटियों के साथ इन अपराधियों ने किया, सामूहिक बलात्कार, हत्या, घर के पास पेड़ से टांगना, उसी तरह की क्रूरता ये तमाम ट्रोल आर्मी कर रही है, जो इस घटना की निंदा करने के बजाय इसे हिंदू मुसलमान में डिवाइड करने की कोशिश कर रही है। यहां पर एक स्वर में हम सबको यह बोलना जरूरी है कि बलात्कारी बलात्कारी होता है, वह पंडित, दलित, मुसलमान या कोई और धर्म का नहीं होता है। वह अपराधी है और उसके साथ कानून के मुताबिक सजा उसे मिलनी चाहिए। इसमें कहीं किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। मैं यहां इसलिए यह आपसे अपील कर रही हूं क्योंकि देखिए, चाहे घटना कुछ ही दिन पहले पीलीभीत में जब होती है दलित बेटियों के साथ, वहां पर भी 24 घंटे के भीतर दो घटनाएं होती हैं, सामूहिक बलात्कार की, लड़की को जलाने मारने की। वहां पर इस तरह का आक्रोश इस ट्रोल आर्मी के द्वारा नहीं सामने आता है। और यही सबसे बड़ा सवाल है जो इस कार्यक्रम के जरिए मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जब कोई बलात्कार होता है, बलात्कार अगर दलित बेटी के साथ है, अगर मुसलमान के साथ है, आदिवासी के साथ है, हर एक मामले में औरत निशाने पर है। और हमें आपको, देश को, देश के नागरिकों को उस औरत के साथ खड़ा होना है और बलात्कारी के विरोध में खड़ा होना है। शायद इसे लेकर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन हमारे आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। और अंत में एक बात जो बहुत जरूरी है, उत्तर प्रदेश ने हाथरस कांड देखा। हाथरस में जब एक दलित बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार होता है, वह लड़ाई लड़ती है, बयान देती है और उसके बाद अपनी लड़ाई को हमें आपको सौंप कर इस दुनिया से कूच कर जाती है, उसके बाद से लेकर अब तक अनगिनत मामले हमारे सामने आए हैं। अगर उत्तर प्रदेश के आंकड़े उठाइए तो आपको पता चलेगा कि दलितों पर अत्याचार की एक नई राजधानी में तब्दील हो गया है उत्तर प्रदेश। दलित महिलाओं, दलित बच्चियों के ऊपर जिस तरह के जुल्म ढाए जा रहे हैं, उसके खिलाफ बहुत कम गुस्सा लोगों का सामने आ रहा है। यहां बहुत जरूरी है योगी सरकार से यह पूछना कि जब वह बात बात में ठोकने की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की दुहाई देते हैं, तब आखिरकार उनके राज में ये अपराधी, ये बलात्कारी इतने मुक्त कैसे घूम रहे हैं? कौन इसका जवाब देगा? कौन महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी करेगा? शायद इस समय सबसे बड़ा सवाल जो पीलीभीत से उठा है, जो लखीमपुर खीरी से उठा है, जो हाथरस में उठा था, वह यही है कि महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी योगी सरकार को करनी चाहिए और इसमें वह लगातार फेल हो रही है।